आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी छत, बालकनी या लॉन में गमले में भी उगा सकते हैं इस तरह की ढेर सारी फ्रेश और 100% ऑर्गेनिक मटर। इस वीडियो में मैं स्टोर बॉट ड्राई सीड्स और फ्रेश हरी मटर से ढेर सारी मटर उगाने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ पूरे 2 महीने के अपडेट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हर साल अपने टेरिस गार्डन में मटर उगाता हूँ। ये 60 दिन में तैयार हो जाती है। इसे गमले में उगाना खेत में उगाने से भी ज्यादा आसान होता है और कोई भी इसे बिना गार्डनिंग नॉलेज के आसानी से उगा सकता है। फ्रेश मटर से प्लांट उगाने के लिए आप फ्रेश मटर के दानों को भीगे हुए टॉवल में रख दीजिए। 3-4 दिन बाद इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। अब आप इन्हें सीधे गमले में लगा सकते हैं। आप ग्रोसरी स्टोर से सूखे मटर या सीड स्टोर से मटर के बीज भी ला सकते हैं। ड्राई सीड्स को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दीजिए। 24 घंटे बाद सीड्स फूल गए हैं और अब मैं इन्हें सीधे फाइनल कंटेनर में लगाने वाला हूं। गमले में ढेर सारी मटर उगाने के लिए आपको ऐसी मिट्टी की जरूरत होगी जो भुरभुरी हो और ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो। इसके लिए आपको चाहिए 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद और 20% कोकोपीट या रिवर सैंड। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिला लीजिए। मैं इस प्लास्टिक फ्रूट क्रेट से बने बड़े कंटेनर में 5-6 मटर के पौधे अपने टेरेस गार्डन में उगाने वाला हूँ। प्लास्टिक फ्रूट क्रेट से कैसे बड़े ग्रोइंग कंटेनर तैयार करते हैं इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रहा हूं। मैंने कंटेनर में मिट्टी भर ली है। अब 4x4 इंच की दूरी पर इस तरह से मैं मटर के बीजों को 1.5 इंच की गहराई पर लगा देता हूँ। अगर छोटे गमले में लगाना है तो एक पॉट में एक ही पौधा लगाइए। सीड्स को मिट्टी से कवर करके अच्छी तरह से पानी दे दीजिए। 16 दिन बाद मटर के सीडलिंग्स में 3-4 पत्तियां आ गई हैं। अब इसे फुल सनलाइट में रखना है। सीड्स लगाने के 1 महीने बाद हमारे मटर के पौधे 6 से 8 इंच लंबे हो गए हैं। इसके पौधे बेल की तरह उगते हैं और अच्छी फ्रूटिंग के लिए पौधों को सपोर्ट की जरूरत होती है। मैं इन 4 बैम्बू स्टिक्स और स्ट्रिंग्स की मदद से कंटेनर के आसपास सपोर्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ऐसा करने से मटर की फलियों की ग्रोथ अच्छी होगी और मिट्टी की सरफेस से ऊपर होने के कारण फल खराब भी नहीं होंगे। अब पौधे को इसका सपोर्ट देकर चढ़ा देते हैं। 38 दिन बाद मटर के पौधों पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। 45 दिन बाद सभी पौधे मटर के फूलों से भर गए हैं और कुछ मटर की फलियां भी बनना शुरू हो गई हैं। इस स्टेज पर आप इन्हें क्रंची टेस्टी स्नैक की तरह कच्चा ही तोड़कर छिलके सहित खा सकते हैं। इस समय इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी हाई होती है और इसका टेस्ट भी जबरदस्त होता है। 52 दिनों के बाद मटर की फलियों में दाने बनने लगे हैं और साथ ही साथ ढेर सारे फूल भी आ रहे हैं। मटर के पौधे उगाए आज 65 दिन हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी पौधे ढेर सारी हरी और ताजी मटर से भर गए हैं। पौधों पर इतनी ढेर सारी मटर आई है कि फलों के वजन से नाजुक पौधे झुकने लगे थे, तो इसे सपोर्ट देने के लिए कुछ और बेम्बू स्टिक्स भी लगाना पड़ा। लगभग सभी मटर की फलियों के दाने पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं और अब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलिए हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। फलियों को ज्यादा समय तक पौधे पर नहीं लगे रहने देना चाहिए, इससे इसके दाने मैच्योर होने लगते हैं और इनकी मिठास भी खत्म हो जाती है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जितने भी मटर आप हार्वेस्ट करेंगे पौधा उतने ही ज्यादा मटर और बनाने लगेगा। एक एवरेज साइज फैमिली की जरूरत के लिए इस तरह के 4-5 कंटेनर तैयार करना चाहिए और 15-15 दिन के डिफरेंस से सभी कंटेनर्स में बीज लगाते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको लंबे समय तक ताजी मटर की लगातार सप्लाई मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये है इस सीजन की मटर का पहला हार्वेस्ट। ये सारी मटर सिर्फ एक ही कंटेनर में होगी है। इसे छीलकर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि फली पूरी तरह से मटर के दानों से भरी हुई है। अब जरा इसे टेस्ट करके देखा जाए।
दोस्तों इसका स्वाद बाजार की मटर से कई गुना ज्यादा मीठा है, क्योंकि एकदम ताजा और कच्ची मटर में शुगर का लेवल सबसे हाई होता है। और दूसरा, ये 100% ऑर्गेनिक मटर है, इसलिए इसका टेस्ट वैसे ही बेहतर है। मटर के पौधे 90 दिन के हो गए हैं और पिछली हार्वेस्टिंग के एक महीने बाद पौधे और भी बड़े हो गए हैं और दोबारा इन पर ढेर सारी मटर भी आ गई है। और कुछ दिनों में मैं इसका दूसरा हार्वेस्ट भी लेने वाला हूँ। इसी तरह से ये प्लांट लगभग एक महीने और मुझे मटर देता रहेगा। मटर के पौधों को बढ़ने के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसे आप अक्टूबर नवंबर में उगाना शुरू कर सकते हैं। अच्छी तरह से बढ़ने और फलने फूलने के लिए मटर को धूप की जरूरत होती है। कंटेनर को ऐसी जगह रखें जहां इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप रोज मिल सके। ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल सकती हैं और रूट रॉट भी हो सकता है, जिससे पौधे खराब हो जाते हैं। इसलिए पानी तभी दीजिए जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे या पत्ते मुरझाने से लगे। मटर के पौधे काफी तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए ये हैवी फीडर भी होते हैं। पौधा एक महीने का होने के बाद हर 15 दिन में एक बार 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर ऊपर की मिट्टी को हल्का ढीला कर लें। और भी बेहतर रिजल्ट्स के लिए सीडलिंग स्टेज से ही महीने में एक बार 1 लीटर पानी में 5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड मिलाकर पूरे पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। मटर के पौधे में आमतौर पर एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, मॉथ के लार्वा और पाउडरी माइल्ड्यू जैसे पेस्ट लगते हैं। इनसे बचाव के लिए पौधे को अर्ली स्टेज से ही हर 15 दिन में एक बार 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। तो दोस्तों, इन आसान टिप्स को फॉलो करके आप भी मेरी तरह अपनी बालकनी या छत पर ढेर सारी ताजा और 100% ऑर्गेनिक मटर उगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।